शेरों वाला मंदिर या शेरों वाला मंदिर इसको कहते हैं। कुछ ये एक वर्ड लिखा हुआ हिंदी का और इस साइड पे भी हिंदी है। दोस्तों भक्कर में पाकिस्तान में पहला 7-स्टार होटल जहां हम लोग रुके हुए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। और रोड और इसमें मुख्तलिफ किस्म के बाइक्स हैं, ये उनमें से कुछ बड़ी बाइक। ये हैं पाकिस्तान के ट्रक्स। गुड़ वाली चाय बहुत मज़े की माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं अपने चैनल पे हाजिर हूँ, आप सभी दोस्तों को वेलकम खुश आमदीद और जिया इनो बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है और आप सभी दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों के ऊपर अपना खास करम फजल बनाए रखे, आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुर्रम शाद आबाद गम दुख दर्द तकालीफ से आज़ाद रहें। दोस्तों मैं अभी अपने शहर भक्कर में मौजूद हूँ, भक्कर से आगे एक जगह जा रहे हैं तो मैंने मुनासिब समझा कि पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। अभी मैं टांगे की सवारी कर रहा हूँ। बचपन में हम लोग, मुझे याद है जब हम लोग छोटा हुआ करते थे तो इसी टांगे के ऊपर सफ़र करते थे। तो अभी हम लोग अपने गांव से शहर भक्कर पहुँचे तो मैंने ये टांगे वाले अंकल को देखा तो मैंने कहा कि चलो आज टांगे की सवारी करते हैं और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। तो अंकल से मैंने पूछा कि अंकल आप कब से ये टांगा चला रहे हैं? आजकल तो ऑटो रिक्शा वगैरह और मतलब जो किराए पे गाड़ियाँ चलती हैं वो चल रही हैं। तो अंकल कह रहे हैं कि तकरीबन 25 साल हो गए उनको ये टांगा चलाते हुए। आजकल रिक्शा की वजह से इनका काम बिल्कुल ठप हो चुका है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो के हिसाब से जो भी सीन्स और क्लिप्स होंगे मैं आप बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी मैं टांगे पे मौजूद हूँ, टांगे की जो सवारी है एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों इस वक्त हम लोग अपने शहर में मौजूद हैं, अपने काम के सिलसिले में आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो चुका है। अभी शिहाब भाई के हवाले से डिस्कस करते हैं। शिहाब भाई को आज अपने घर से निकले हुए केरला इंडिया से नेक मुबारक और नूर से भरपूर सफ़र के लिए निकले हुए 154 दिन हो चुके हैं और आज तारीख है 2 नवंबर। तो इंशाल्लाह वीडियो के अंदर शिहाब भाई के हवाले से डिस्कस करते रहेंगे और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि शिहाब भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं तो इस हवाले से शिहाब भाई की कवरेज के लिए हमारी तरफ से तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और पाकिस्तान में भी उनके इस्तकबाल के लिए जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल आखिरी मरहल में है बल्कि कम्प्लीट हो चुकी हैं। तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ के सीन, यहाँ के नज़ारे दिखाऊँगा अपने शहर के। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो एंजॉय करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है मेरे कज़न मुदस्सर भाई। तो अभी हमें भूख भी लगी हुई है तो पहले कुछ खाते हैं, क्या खाएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और यहाँ का जो भी माहौल होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलें जी वीडियो की तरफ। अभी हम लोग मौजूद हैं भक्कर की, यहाँ की जो ड्राई फ्रूट की मार्केट है इस साइड पर आप लोग देख सकते हैं। ये जो भी ड्राई फ्रूट हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। ये बादाम, मुख्तलिफ किस्म के बादाम हैं, उनकी गिरियाँ या गुठलियाँ भी हैं। हर किस्म के मेवाजात यहाँ पे दस्तयाब हैं, खजूर भी है। ये पूरी मार्केट ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है और ये यहाँ के मकामी लोग नहीं हैं, ये केपी की से जो पठान भाई हैं हमारे ये लेके आते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ड्राई फ्रूट होता है। आप लोगों ने हमारे भक्कर की ड्राई फ्रूट की जो मार्केट है वो भी देख ली है। इसी तरीके से और भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अभी हम लोग अपने अंदरूनी शहर दाखिल हो चुके हैं। आज बड़ी गहमा गहमी है, रश ज़्यादा है। अच्छा दोस्तों हमें काफ़ी भूख लगी है, घूम फिर रहे हैं तो पहले कुछ खाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये सामने है एक मिलन चिकन टिक्का कबाब शॉप है, यहाँ देखते हैं। आज बहुत ज़्यादा रश है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? अंकल क्या हाल है? ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये जी कबाब है। किस तरह एक सीख है?
100 की 4 और इस साइड पे ये कलेजी भी है और टिक्का क्या हिसाब है? 50 रुपए। अच्छा ये दो कर दें और ये कितनी आप कितनी खाएंगे? 4, 8। चलो 8 ये कर दें, ठीक है? नहीं मतलब 4 कर दें फिलहाल। चलो ये 6 कर दें और 2 ये, ठीक है? इधर खाने पैक कर रहे हैं, इधर ही खाने हैं। तो नाजरीन अभी हम लोग जो अब पेट में आवाज कम हो गई है, तसल्ली हो रही है, खाना खाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इधर पहले कस्टमर खा रहे हैं खाना। ये चिकन के बीफ कबाब। अच्छा और ये कलेजी? ये चिकन की है। चिकन कबाब भी, ठीक है। एक रोटी कितने की है? 10 रुपए की एक रोटी। चले सही है। अभी ये तैयार हो रहे हैं तो ये हमारा खाना आ चुका है, बहुत टिक्का है। चलो अभी इसको हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये चटनी है वो बहुत मजे की, गाढ़ी गाढ़ी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खाना खा लिया है और अभी हम लोग निकले हुए हैं एक मंदिर की तरफ। बंटवारे से पहले एक यहाँ मंदिर हुआ करता था, तो वो इंशाल्लाह दिखाएंगे आप लोगों को कि अब किस हालत में है और वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे भक्खर शहर की हदूद ख़त्म होती है, आगे एक गली निकलती है जिसको शेरों वाली गली कहा जाता है। दरअसल यहाँ पे पहले बंटवारे से पहले का यहाँ पे मंदिर होता था, वो अभी भी उसी हालत में मौजूद है लेकिन उसके अंदर अभी फैमिलीज रह रही हैं। तो मैं आप लोगों को बाहर से दिखाऊंगा। पहले मंदिर था लेकिन अभी इसमें फैमिलीज और मदरसा बनातुल इस्लाम लिखा हुआ है दरवाज़े के ऊपर उर्दू में, और ये 1945 में बनाया गया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ एक तहरीर है हिंदी में, ये उसी ज़माने की अभी तक ये तहरीर मौजूद है। तो इसके इस साइड पे अगर देखें तो ये काफ़ी बड़ा है। हाँ काफ़ी बड़ा, ये ऊपर गुंबद नुमा बना हुआ है, शेरों वाला मंदिर या शेरों वाला मंदिर इसको कहते हैं। ये पुरानी बिल्डिंग उस दौर की, यहाँ पे हमारे हिंदू भाई रहते थे। ये देखें ये पूरी जो बिल्डिंग है, ये पहले मंदिर हुआ करता था किसी ज़माने में। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है उस साइड पे भी। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जहाँ मदरसा बनातुल इस्लाम है, तो इससे पहले जो लिखाई की गई वो हिंदी में है कुछ लिखा हुआ, और यहाँ पे भी कुछ ये एक वर्ड लिखा हुआ हिंदी का, और इस साइड पे भी हिंदी है। और ये जो एक ये बना हुआ है इसके ऊपर पहले शेर बने हुए थे, अभी तो नहीं है, अभी ये हालत जो है थोड़ी सी खस्ता हो चुकी है इस बिल्डिंग की। मेरे ख्याल से गिर गए हैं शायद, शायद गिर गए होंगे। अच्छा ये अंकल कह रहे हैं कि ये जो मेन गेट है यहाँ पे 2 बड़े शेर बने हुए थे, वो अभी गिर गए हैं अभी नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को मंदिर दिखाया, इसको शेरों वाला मंदिर कहते हैं। अभी यहाँ पे मदरसा बना हुआ है और एक साइड पे फैमिलीज रहती हैं। तो यहाँ से हमें कुछ मालूम हुआ है कि जो भक्खर में हिंदू भाई हमारे रहते थे बंटवारे से पहले, जब वो माइग्रेट करके यहाँ से गए तो सुना है कि जो इंडिया में पानीपत का इलाका है, पानीपत के इलाके में भक्खर से जो माइग्रेट होके गए थे वो वहाँ पे मुकीम है अभी भी। दोस्तों मंदिर दिखा दिया आप लोगों को, उसी गली से हम लोग वापसी आ रहे हैं। तो ये इस गली में मोस्टली सुनार रहते हैं, तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये भाई काम कर रहे हैं। और एक चीज़ ये मुझे नज़र आई, ये ताजमहल है मेरे ख्याल में जो इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है
माशाल्लाह। काम कर रहे हैं भाई? जी सर। आप सुना रहे हैं? जी। अच्छा, तो ये अभी क्या चीज़ बना रहे हैं? मैं एक हार सेट तैयार कर रहा हूँ। हार सेट तैयार कर रहे हैं सोने का? जी। अच्छा माशाल्लाह, देखें बड़ी नफासत का काम। तो ये इसका सोने का क्या भाव चल रहा है इस वक्त? 1,49,000 रुपये रेट चल रहा है। 1,49,000 तोला? तोला। एक तोले में कितने ग्राम होते हैं? तोले में 11 ग्राम 664 मिली होते हैं, 12 माशे का एक तोला होता है। माशाल्लाह, तो कोई चीज़ आपने तैयार की हुई है इस वक्त? तैयार कर रहे थे। अच्छा, तैयार कर रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। तो शाह भाई के हवाले से ये बताते चलें कि इंशाल्लाह शाह भाई जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। जो आप अफवाहें सुन रहे हैं वो सब झूठी हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। आप यूँ समझ लें कि किसी भी वक्त बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी, और मैं जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि जो शाह भाई के दोस्त हैं और वहाँ से जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके साथ मेरा मुसलसल रबता है। जैसे कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं आप लोगों को अपना बाज़ार भी दिखा रहा हूँ। मुदस्सर भाई बोल रहे हैं कि कहीं बैठ के चाय पीते हैं, तो जहाँ चाय पियेंगे तो वो भी शेयर करेंगे। अभी मुदस्सर भाई ने करेले लेने थे तो रास्ते में नज़र आए करेले। क्या भाव है भाई? 100 के 2 किलो। 100 रुपये के 2 किलो? तो 1 किलो दे दे भाई। ठीक है, 1 किलो। हाँ, 1 किलो। पहले सब्जी खरीदी, टमाटर भी लेने हैं? आगे जाके ये ट्रेन का ट्रैक है, पटड़ी है, बस इसके आगे फिर अंदरून शहर की हदूद ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग अपना रोड पकड़ेंगे और घर की तरफ जाएंगे। आज मुदस्सर भाई रश बहुत ज़्यादा है ना? बहुत ज़्यादा रश। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि पाकिस्तान में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल्स हैं वो एक कलर की होती हैं। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ, पाकिस्तान में हर किस्म की मोटरसाइकिल्स हैं, हैवी बाइक्स भी हैं। मैं एक शोरूम में आया हूँ, यहाँ पे भी कुछ मोटरसाइकिल हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जिस तरह ये देखिए आप, ये होंडा का शोरूम है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के बाइक्स हैं। ये उनमें से कुछ बड़ी बाइक है, ये ब्लैक कलर की हैं, और उनमें ये एक थोड़ा सा हैवी बाइक है। तो इस साइड पे ये ब्लू कलर का है प्राइडर, ये भी ब्लैक कलर का। इसमें यहाँ पे सारा सामान वगैरह मौजूद है, हेलमेट वगैरह जो मोटरसाइकिल से मुतलका सामान होते हैं। और ये वाले जो हैं, ये हैं सादा 125। 125 वो कितने के? वो है इस वक्त 1,85,900। 1,85,900। और हैवी वाला? हैवी वाला ये है 2,83,900। 2,83,900। शुक्रिया सर। क्या भाई के हवाले से हम लोग इंशाल्लाह हर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें अपडेट्स देना ज़रूरी होता है। मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, और शाह भाई बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं, इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान आएंगे, और उनका जो भी इस्तकबाल होगा और कवरेज होगी वो आप लोगों को इस चैनल से बराबर मिलती रहेगी। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह किसी ढाबे पे रुकते हैं, रोड किनारे जो ढाबा होता है, क्योंकि ढाबे पे जो चाय बनाई जाती है ना वो स्पेशल किस्म की होती है। ड्राइवर हजरात जो रोड पे सफ़र करते रहते हैं उनके लिए चाय जो बनती है बड़ी ख़ास किस्म की होती है, कड़क। तो देखते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये भक्कर का जो बस अड्डा है, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बसें आती हैं और यहाँ से निकलती हैं। ये लारी अड्डा है, इसको लारी अड्डा भी बोलते हैं, और बस जनरल बस स्टैंड भी। तो शाह भाई के हवाले से क्या बोलते हैं आप जी? शाह भाई के हवाले से इंशाल्लाह शाह भाई आ रहे हैं जल्द, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे ये, इंशाल्लाह जल्द आ रहे हैं शाह भाई, उनका सफ़र मुबारक करें, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द ही आ रहे हैं। अभी तक वो आफिया किड स्कूल में है, तकरीबन 1 महीना और 2-3 दिन हो चुके हैं, सही है। बॉर्डर के उस पार रुके हुए हैं और हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री के साथ। पूरा पाकिस्तान उनका बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहा है
लोग कहते हैं कि आप क्यों जिक्र करते हैं भाई, हम लोग जिक्र करेंगे, जब तक शाह भाई का जिक्र ना करें तो वीडियो बनाने में मजा ही नहीं आता। नवाब रॉयल रेस्टोरेंट है ये भक्कर का, काफी मशहूर है, रास्ते में ये पड़ता है होटल। ये हमारे भक्कर शहर के रोड्स, रास्ते और यहाँ की ट्रैफिक। आप लोग अक्सर कमेंट्स में लिखते हैं कि आप रोड और गांव देहात ये चीज़ें दिखाया करें, तो हम लोग आपको दिखाते रहते हैं। यहाँ कहीं देखते हैं अच्छी चाय जहाँ मिले वहाँ रुकेंगे। ये हैं पाकिस्तान के ट्रक्स, कितनी खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है दुल्हन की तरह। इधर रुके 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 इधर रुके, तो भाई यहाँ रुकते हैं। ये है 7 स्टार होटल दोस्तों, भक्कर में पाकिस्तान में पहला 7 स्टार होटल जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। आप लोगों को दिखाते हैं भक्कर का 7 स्टार होटल, पाकिस्तान का पहला 7 स्टार होटल। तो चलें जी, ये है जी, ये चाय के लिए रुके हुए हैं होटल 7 स्टार, उम्दा चाय, लजीज खाने, नाश्ता, लंच, डिनर। तो ये है जी 7 स्टार होटल। अभी पता करते हैं चाय है या नहीं। नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। जो 7 स्टार होटल है वहाँ पे हमें चाय नहीं मिली, हम लोग आगे किसी होटल पे रुकेंगे। तो चलें जी दोस्तों, ये एक ढाबा है, यहाँ पे खाने वगैरह भी मिलते हैं और चाय भी मिलती है। पहले हम लोगों ने पूछा है, इन्होंने बोला कि चाय ज़बरदस्त है, जो ड्राइवर हजरात हैं वो यहाँ आके पीते रहते हैं, तो चाय पियेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कैसी चाय है। तो ये है जी ढाबा, यहाँ पे ये फ़िश फ्राई भी है और दूसरे खाने भी है। ये एक ट्रक है, तो यहाँ पे ड्राइवर हजरात भी मौजूद हैं। अभी भाई साहब क्या बना रहे हैं पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या बना रहे हैं भाई? फिश बना रहे हैं माशाल्लाह। ये फिश ग्रिल फिश, ठीक है। तो चाय कहाँ कौन बनाएगा उस साइड पे? ये लेग पीसेस भी हैं, भाई को चाय के लिए बोला है, लेकिन वो अभी चिकन कोरमा तैयार कर रहे हैं, ऑर्डर आया होगा तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। ये इस देख में क्या है? चिकन पुलाव। अच्छा, ये चिकन कोरमा के अंदर भाई लोगों ने दाल शामिल की है। दाल कौन सी है? दाल मूंग, मूंग दाल की है। ये क्यों शामिल किया कोरमा में, ऑर्डर ऐसा है जी? अच्छा, जिन्होंने ऑर्डर दिया उन्होंने बोला कि इसमें दाल भी शामिल करनी है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं चाय के लिए। ये एक प्लेट है, दो प्लेट कितने की है? 370 रुपये। एक प्लेट 370 रुपये की है, रोटी के साथ दो प्लेट एक 370 रुपये में है। अच्छा अच्छा, ये है जी। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं बक्कर इस साइड पे, और फिर हम लोग इस साइड पे जाएंगे अपने घर की तरफ। तो ये रोड किनारे एक ढाबा है, भाई पहले चाय बना दे हैं। अच्छा। चाय यहाँ हमारी तैयार हो रही है। VIP बनाना है उस्ताद, ठीक है। हमारी चाय आ चुकी है, चेक करो, गुड वाली चाय है, बहुत ही गुड वाली है, जबरदस्त गुड वाली चाय, बहुत मजे की माशाल्लाह। 40 रुपए का एक कप है, बहुत जबरदस्त है, बहुत मजे की है दोस्तों। चाय पी ली, यकीन करें ना पैसे वसूल हो गए। आज खाना भी खाया, लेकिन आज जो चाय पी ना, ऐसी चाय मैंने ज़िंदगी में नहीं पी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से। अब फिर अपने रोड पे आ गए दोस्तों, हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ। उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो वीडियो है या सीन्स हैं, आप लोगों को पसंद आए होंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह से मैं और भी वीडियोज़ लेके आया करूँगा। अब इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होऊंगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।